नमस्कार साथियों, मैं ज्योति डोबर, आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। क्या है आज की खास खबरें, देखिए हमारे साथ। देवस्थानम बोर्ड को हटाने की मांग को लेकर पूरे उत्तराखंड के चार धाम पुरोहित पिछले एक वर्ष से सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की हामी भरी थी। वहीं दूसरी ओर सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड पर दिए बयान से पुरोहितों को फिर से नाराज कर दिया है। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड यथावत रहेगा, जिससे नाराज गंगा पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला दहन किया। बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि कल सतपाल महाराज ने जो है देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग 51 मंदिरों को इस देवस्थानम एक्ट से अलग करेंगे और इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन सतपाल महाराज की मंशा जो है अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कल ये कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आज समस्त गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश व्यक्त करके सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। इस बार हो रहा है कि तीर्थ स्थानों में मंत्री जी का जो है पुतला फूंका जा रहा है, और हमें बहुत ही खेद के साथ और कहना पड़ रहा है कि सतपाल महाराज जो कि अपने को धर्म गुरु कहते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, और आज वो देवस्थानम बोर्ड का जो समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय विषय है। मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटन मंत्री सतपाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने सरकार के ही खिलाफ हो गए हैं, अपने मुख्यमंत्री के ही खिलाफ बोल रहे हैं, और साथ ही वो धर्म के प्रति इतना प्रचार प्रसार करते हैं। मैं समझता हूं कि वो तो धर्म के विरोध बोलने लग गए हैं। सभी सनातनीय धर्म, सभी संतों को इसका विरोध करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त चार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने आज सतपाल रावत का पुतला दहन किया, और मैं आज गंगोत्री धाम से एक चीज मीडिया के माध्यम से सतपाल जी को बताना चाहूंगा कि यह तीर्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहां पर रहने वाले पुरोहित या जितने भी धामों में रह रहे हैं पुरोहित, उनकी आत्मा दुखित होगी। विगत वर्ष भी आपको इसका सांकेतिक मिला, आपने उसको इग्नोर किया, फिर भी हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित की है कि आपको अभी भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे कि सुखद नहीं तो आगे मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूंगा कि अभी भी आप प्रायश्चित करें। सतपाल महाराज जी ने जो देवस्थान एक्ट के लिए कहा कि इस पर कोई बिना पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, उस संदर्भ में आज गंगोत्री धाम के हम समस्त तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज जी का गंगोत्री धाम में पुतला फूका, और उत्तराखंड ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी धाम में किसी मंत्री का पुतला फूका जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ। उत्तराखंड सरकार की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो चुकी है गंगोत्री धाम से, और इतिहास गवाह है कि जो हवा गंगोत्री धाम से चलती है वही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का मौसम भी बदलती है। उत्तराखंड की सरकार को गंगोत्री धाम से मैं चेताना चाहूंगा कि तुम्हारी उल्टी गिनती गंगोत्री धाम से शुरू हो चुकी है। ये तुम्हारे इससे बड़े बुरे दिन तुम्हारे नहीं आने वाले कि तीर्थ पुरोहितों के द्वारा तुम्हारा पुतला फूका जा रहा है, तुम्हारे मंत्री का पुतला फूका जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड के लिए और नहीं हो सकता। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।